Hello dear student, everyone, welcome to महेश सिंह इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को बाबू कौशिक धर्म कहता है लेट और लेट्स का प्रयोग करने के लिए बताने के लिए जा रहा सेंटेंस के अंतर। बाबू ऐसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर के माध्यम से लेट और लेट्स के बारे में सेंटेंस में प्रयोग करने के लिए पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन हम आपको उन तमाम यूट्यूबरों से एक अलग ढंग से, बड़ा ही साधारण ढंग से, स्ट्रक्चर के साथ प्लस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर करके बहुत बेहतरीन तरह से आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। और शिव के तहत लेट और लेटर्स का प्रयोग, तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो मेरे विद्यार्थी हैं, और बेल कमाई को दबाएं और अपने दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें, और पसंद पड़े बाबू तब मेरी वीडियो को लाइक। बाबू आज मैं आप लोगों को बड़ा ही आसान ट्रिक दिया सेंटेंस में लेट का प्रयोग, हम कैसे सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं और इनका प्रयोग किस उद्देश्य से ही किया जाता है सेंटेंस में, इसको जानें। लेट का प्रयोग सेंटेंस में बाबू नीड के अर्थों में करते हैं। लेट का प्रयोग सेंटेंस में नीड जो के अर्थों में करते हैं। किसी सेंटेंस में यानी इसको इसमें पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव भर के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, फिर भी ऑब्जेक्ट को या तो अनुमति देता है या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से अनुमति लेकर के सीधे समझ। जैसे आप मुझे पढ़ाने हैं, तुम वहाँ जाओ, अगर आप मुझे पढ़ाने दें तो आपसे मैं अनुमति ले रहा हूँ, समझे, आपसे अनुमति ले रहा हूँ कि आप मुझे पढ़ाने दें, तो इसमें आप मुझे पढ़ाने दें या मुझे पढ़ाने दें, बात बड़ा भाई सुंदर लगा करके वाक्य बनाता है। ग्रामर के तहत बाबू इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑर्डर, इस तरह से दिया रावण के ऊपर। लेकिन इस सब्जेक्ट से आदमी को सस्पेंशन हो जाता है, ढेर दिन में बच्चे पड़ जाते हैं। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के आगे होता है तो बीच में, तो उस सब्सक्रिप्शन को मिटाने के लिए हम बहुत अच्छी तरह से आपको प्रस्तुत करें। दूसरा कुछ अगर इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ट्रांसलेशनों ने दिया है और कुछ यूट्यूबर ने अपनी सुविधा के लिए उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर डाला है, लेट प्लस पर्सन प्लस
पर्सन जो है पर्सन पर्सन कुछ हद तक आपको सुविधा प्रदान कर देता है, सेंटेंस को समझने में प्रदान करता है। यानी पर्सन जो है किसी भी प्रोनाउन के बदले में खा, लेकिन आपको हम बहुत बेहतरीन तरह से बता देंगे जो कि आपको उस तरह के सेंटेंस को बनाने में परेशानी नहीं है। मेरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं सब छिपा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब हिंदी वाक्यों के माध्यम से समझे, आप मुझे पढ़ाने दें, आप मुझे पढ़ाने दें, आप मुझे पढ़ाने दें, आप मुझे पढ़ाने दें। तो यहाँ पर देखिए आप जो है इसमें छिपा रहता है मुझे पढ़ाने, समझ गए। लेकिन हर एक सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेट का जो प्रयोग आप करेंगे समझे, तो ऐसे सेंटेंस में बाबू आप जो होता है यानी यू जो है छिपा हुआ रहता है समझे, लेकिन उसी के अनुसार से ऑब्जेक्ट कार्य करता है समझे। या तो आदेश उसका हो यानी ऑब्जेक्ट का छिपा हुआ रूप से आदेश हो, या उससे अनुमति लेकर के ऑब्जेक्ट कार्य करता है। जैसे मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, लेट मी टीच मुझे पढ़ाने दो। अब इसमें यू से हम मुझे जो है आदेश लेकर के कार्य कर, समझ गए ना। यानी कि सब्जेक्ट इसके अंतर्गत होते हैं बाबू, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है छिपा होता है, ओमिट होता है समझे, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। हाँ, मुझे स्नान करने दो, हाँ मुझे स्नान कर दे दो, लेट मी बाथ मुझे स्नान करने दो, उसे खाने दो, लेट हिम ईट, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उन्हें आने दो, लेट them come। इस तरह के सेंटेंस के अंतर्गत समझे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के आदेश या अनुमति से कार्य करता है। ऐसे सेंटेंस में लेट का प्रयोग किया जाता है समझ गया। और ऐसे असर्टिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग होता है, और इसका नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है डू नॉट का प्रयोग होता है समझ गए। सेंटेंस का प्रारंभ डू नॉट से होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंस का बाबू।
जैसे उसे उसे मत पीटो, उसे मत पीटो, उसे मत पीटो, तो डोंट डोंट या डू नॉट बैक डाउन, डू डोंट कहिए या डू नॉट कहिए, बात बराबर बाबू समझे, डू नॉट let him hurt, उसे मत पीटो, उसे मत पीटो, उसे मत जाने दो, उसे उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, डोंट या डू नॉट लेट हिम दो, उसे मत जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो, नकारात्मक में सेंटेंस जैसे सेंटेंस के नकारात्मक में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का वर्ड को रखा जाता है, डू नॉट लगा करके वाक्य प्रारंभ किया जाता है, और इस प्रकार का होता है डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डीवन प्लस करके वाक्य बनाया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आइए लेट्स, लेट्स का प्रयोग, लेट्स का प्रयोग आओ चले के अर्थों में किया जाए सेंटेंस के, समझ गए, कॉस्टिक सेंटेंस के वाक्यों के अंतर्गत इसका प्रयोग आओ चले के अर्थों में किया जाता है या हम लोगों के अर्थ में किया जाता है, समझ गए। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है लेट्स प्लस डीवन प्लस ओ डब्ल्यू करके वाक्य बना, जैसे आओ हम लोग डांस करेंगे, आओ आओ हम लोग डांस करें, 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 तो आओ हम लोग डांस करें, तो आवाज अगले लेट्स अगेन, आओ हम लोग लेट्स लेट्स डांस, लेट्स डांस, आओ हम लोग डांस करें, आओ हम लोग या आओ हम लोग सिनेमा चले, समझे, लेट लेट गो मूवी, आओ हम लोग सिनेमा देखते, लेट्स वॉच द मूवी, इस तरह से वाक्य बनाया जाता है, इसका सोचा समझ लीजिए। आप किसी सेंटेंस के अंतर्गत सेंटेंस के अंतर्गत ये देना के अर्थ में, ये देना के या देता के अर्थ में ही इसका स्ट्रक्चर होता है। उदाहरण के लिए देखिए सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस, मोहन उसे कार चलाने देता,
भगवान उससे कार चलाने देता है, समझ गए? भगवान उसे कार चलाने देता है। इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, कैसे हुआ को बनाने का, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ह्यूमन प्लस ऑन। मोहन से कार चलाने देता है, मोहन मोहन लेट
Mohan डांस मुद्रा स्टेज, सीता गीता को स्टेज पर चढ़ने दीजिए। तो सीता गीता को स्टेज पर चढ़ने देगी तो गीता मोहन सोहन को पहनी देगा और मोहन भी ये शुरू जाएगी।